संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में गरौठा पहुंची जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फरियादियों की समस्याएं सुनी है। बता दें कि गरौठ में तहसील समाधान दिवस पर रविंद्र कुमार जिलाधिकारी और झांसी राजेश एस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अध्यक्षता में शिविर संपन्न हुआ, जिसमें स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। बता दें कि पंचायती राज विभाग द्वारा ही स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी झांसी ने कड़े तेवर दिखाते हुए दो लेखपालों के विरुद्ध ही कार्य में स्थिरता बरतने की वजह से जिला अधिकारी द्वारा ही दंडात्मक कार्यवाही के आदेश दिए हैं। बता दें कि संपूर्ण समाधान दिवस पर जमीनी जायदाद और किसान संबंधी मुद्दे ज़्यादा छाए रहे, तो वहीं व्हीलचेयर पर बैठकर पहुंची विकलांगों की समस्याओं को जिलाधिकारी ने प्रमुखता से सुना और समाधान का आश्वासन दिया है। बता दें कि जिलाधिकारी झांसी ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि खेतों में पराली न जलाएं, जिससे दुष्प्रभाव पड़ते हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ही लंबित पड़े मामलों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लगभग एक वर्ष पूर्व गुरुसराय में हुए नवयुवक की हत्या की अभी तक खुलासा नहीं होने के संबंध में मीडिया द्वारा सवाल पूछने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि हम जल्द ही खुलासा करने का प्रयास करेंगे। आज संपूर्ण तहसील समाधान दिवस में राजस्व विभाग के 40 और पुलिस विभाग में 25, विकास के और 18, स्वास्थ्य और शिक्षा के ही नहीं तथा 15 अन्य शिकायती पत्र सहित कुल 98 शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी हो? क्या समस्या थी आज आप? 70% बदनाम साढ़े चार बनाए थे तो सुनता नहीं था, 80 के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, कितने दिन पहले बना था? खाने खाने के बना तो अभी आपने प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला? दिया है, अब तक बन जाएगा। अच्छा, बन जाएगा, ठीक। आपका? हमारा नाम है धर्म राम राजपूत। कहाँ के निवासी हैं? अच्छा, क्या समस्या थी, क्या प्रार्थना पत्र दिया आपने? हमने प्रार्थना पत्र किया है कि जो सामान्य योजना के अंतर्गत विद्युत विभाग में पैसा जमा कराए, किसानों के दो साल हो गए पैसा जमा हुए, आज तक सामान नहीं दिया गया। अब किसान भुखमरी भी कर रहा है, किसान कहाँ से दिया, बच्चों का तो पालन पोषण नहीं कर पा रहे। और शासन की मंशा कहते तो हैं किसानों को कि हम किसानों के साथ हैं, और किसानों का धोखाधड़ी दे रही है सरकार। ये पहला प्रार्थना पत्र दिया जिसके पहले भी दे चुके हैं? प्रार्थना पत्र दे चुके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, मुख्यमंत्री को दे चुके, डीएम साहब को दे चुके, आज तक कोई कार्रवाई। तहसील दिवस में कितने प्रार्थना पत्र दिए आपने? तहसील दिवस में कितने प्रार्थना पत्र दिए? तहसील दिवस में 30,000 प्रार्थना पत्र। क्या आश्वासन मिला आपको? हमको आश्वासन ये मिला कि लक्ष्य नहीं आया है, लक्ष्य आ जाएगा, मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जब क्या किसान बिल्कुल ही वो हो जाएगा धराशल, जब मिल जाएगा। सरकार कहती है हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ, और किसान उनका धोखाधड़ी कर रहे। हाँ सर, तहसील दिवस में क्या ज़्यादा समस्याएं किसकी आई हैं? देखिए, आज हम लोग गरौठा तहसील दिवस में हैं, और हर एक तहसील दिवस में जहाँ भी मैं जाता हूँ, लोगों की शिकायतों को सुनने के अलावा भी आप देखेंगे कि यहाँ हेल्थ कैंप लगा हुआ है, किसानों की समस्या के लिए किसान सम्मान निधि से संबंधित कैंप लगा हुआ है, फसल जो बर्बाद हुए हैं उससे भी संबंधित कैंप लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ शिकायतों के निस्तारण में हमने पिछले एक महीने में इस तहसील में किस विभाग की अधिकतम शिकायतें आई उनका समीक्षा किया, कुछ दो तीन विभाग के, और उसमें से भी हमने ये देखा है कि किस गाँव से सबसे ज़्यादा रिपीटेड शिकायत आई, उसके आधार पे एसएसपी साहब ने पुलिस विभाग से संबंधित समीक्षा की है। ग्राम विकास विभाग में हमने दो गांव में बीडीओ साहब को बताया है कि जांच करवाएं, और राजस्व विभाग में सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा होने के बावजूद भी लेखपाल द्वारा पूरी कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए दो को निलंबित भी किया गया है। अन्य विभाग से संबंधित जो भी शिकायतें थी तो उनके विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया गया है, कुछ टीमें मौके पर बना के तुरंत फील्ड में भेजी गई हैं, तो
हमारी यही मंशा है जो कि सरकार की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि गाँव की शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और कम से कम समय। सर, किसानों को जागरूक किया जा रहा है पराली को रोकने के लिए कि जलाएं नहीं, इस संबंध में क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? कौन सी नई टेक्नोलॉजी ईजाद की है जिससे किसानों को चिन्हित किया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पराली जलाने से जहाँ खेत के जीवाणु मर जाते हैं वहीं वायु प्रदूषण भी होता है, और वायु प्रदूषण से कितनी सारी हानियाँ हैं आमजनों को आप लोग जानते ही हैं। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय NGT और राज्य सरकार द्वारा पराली न जलाने के निर्देश दिए गए हैं, और ये बताया गया है कि इसके बारे में किसानों को जागरूक करें। अभी पराली को जलाने के बजाय उसको गड्ढा खोद के एक जगह डाल के वेस्ट डिकम्पोजर सरकार फ्री में दे रही है, उससे आप उर्वरक बना सकते हैं, जैविक खाद बना सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल भी अच्छी होगी। और अभी हम आपके साथ कुछ किसानों को जो वेस्ट डिकम्पोजर है अभी बांटने भी जाएंगे, कुछ और गांव में भी बटा था। तो हमारी यही कोशिश है कि यहाँ पराली ना जले और पराली का बेहतर सदुपयोग किया जाए ताकि किसानों के इससे फायदा हो। सर, तहसील दिवस में बार बार रिपीट होते हैं कुछ प्रार्थना पत्र, निस्तारण नहीं हो पाता है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आज तहसील दिवस में DM और हमारे द्वारा जो तहसील दिवस भाग लिए थे, तहसील दिवस के दौरान सभी विभागों को भी निर्देशित किया गया, खासतौर से जो पुलिस विभाग है उन लोगों को ये निर्देशित किया गया कि जो जमीन का कनारा है उसमें जॉइंट टीम जो शासन आदेश के अनुसार ही जॉइंट टीम गठन कर जल्दी से जल्दी निपटारे करने के लिए निर्देशित किया गया है। और कुछ प्रार्थना पत्र लगातार आ रहे हैं, जैसे जमीन नाप को लेकर भी आ रहा है और इसको देखेंगे। और आज लगभग 100 के आसपास प्रार्थना पत्र आए हैं और समय सीमा के अंदर सभी लोगों को निर्देशित किया गया। विगत एक वर्ष पहले नगर गुड़सराय में एक नवयुवक का हत्याकांड हुआ था जिसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ, वो बार बार प्रार्थना पत्र देता है, इस संबंध में कुछ आपने? हाँ, इसमें हम लोग विशेष रुचि लेने के लिए अलग से टीम गठन किया गया है और इसमें जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों को भी संपर्क किया गया है। हम